हाई फ्रेंड टूडे वी विल लर्न क्लास सिक्स एन सी आर टी साइंस बुक चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक दिस इज पार्ट टू सेव ऑब्जर्व समिंगर वैन यू ट्राई टू थ्रेड निडल आपने कुछ सिमिलर सा नोटिस किया होगा जब आप निडल से उस थ्रेड को निकाल रहे थे मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इन टू अ फ्यू थिंग स्टेंट्स आ, कभी कभार जो ये थ्रेड का एंड है वो बहुत ही फ्यू थिन स्ट्रैंड में हो जाता है दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नेडल तो जब हम उसको मतलब सुई के अंदर ढालते हैं उस थ्रेड को तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नेडल से ढालना द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड डेट वी सी आर मेड थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर वो जो थिन धागा होता है वो और भी थिन से धागे से बना होता है जिसको हम फाइबर कहते हैं दूसरी का कर लो। फाइबर आर मेड अप ऑफ यार्स एंड यार्स आर फॉर द मेड अप ऑफ फाइबर्स ये जो फैब्रिक हैं वो जो है यार्न से बने होते हैं और यार्न हैं जो वो फाइबर्स से बने होते हैं वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम ये जो फाइबर हैं वो आते कहाँ से हैं द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन जूट सिल्क एंड वूल आर ऑपरेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल कुछ फाइबर हैं जैसे कि कॉटन जूट सिल्क वुल एट्रा ये जो हैं हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं दीज आर कोल्ड नेचुरल फ़ाइबर इन्हें हम नेचुरल फ़ाइबर कहते हैं कॉटन एंड जूट आर एग्ज़ाम्पल ऑफ फाइबर ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट जो कॉटन और जूट है वो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो हमें प्लांट से मिलते हैं वुल्क एंड सिल्क फाइबर आर ऑप्टेंड फ्रॉम एनिमल्स जो वुल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलते हैं वुल इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम द फ्लिश ऑफ और गोट जो जो बुल है वो जो और गोट के जो फ्लिश होते हैं हमें उनसे मिलता है इट इज़ ऑल्सो ऑप्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट ये हमें रैबिट्स के बालों से भी मिलता है रैबिट्स के याक और कैमल्स से के। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी कून ऑफ सिल्क वॉम। जो सिल्क वॉम होता है हमें उससे उसका जो सिल्क वॉम का जो कून होता है उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है फोर थाउजेंट ऑफ यर्स नेचुरल फ़ाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर फैब्रिक्स जो सौ हजार साल पहले जो ये नेचुरल फाइबर होते थे ये बहुत एक बार ही मिलते थे फैब्रिक बनाने के लिए इन द लास्ट हंड्रेड ईयर और सो जो अभी पिछले हंड्रेड ईयर गए थे फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल उसमें जो फाइबर है वो केमिकल से भी बनने लगे केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज जो उन केमिकल सब्सटेंसेस से मतलब जो ना हमें प्लांट से मिलते हैं ना ही एनिमल्स से दीज आर कोल्ड सिंथेटिक फाइबर इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं सिंथेटिक फाइबर सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पोलिस्टर नाइलोन एंड एथलेटिक कुछ एग्जांपल जो हैं सिंथेटिक फाइबर के वो हैं पोलिस्टर एथलेटिक और नाइलोन सम प्लांट फाइबर्स कॉटन हैव यू एवर मेड विक्स फ्राम ऑयल मतलब जो हम दिवाली पर दियो में लगाने के लिए ऐसे विक्स नहीं बनाते हैं आप हाथों के बीच में रख के उनकी बात करें वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स आप इन विक्स को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो हम कॉटन यूज़ करते हैं दिस काटन वुल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस कोल्स एंड प्लोज ये जो कॉटन बुल है जो हमारे गद्दे होते हैं गद्दे में तो शायद स्पंज भी हो ढला होता है लेकिन जो पिल्लो वगैरह होते हैं उनके अंदर ये उनके अंदर क्या होती है कॉटन बुल टेक सम कॉटन बुल पुट इट अ पार्ट एंड लुक एट इट एजेस आप एक कॉटन बुल लो उसको एक साइड रख दो और उसके एजेस को देखो बट डू यू ऑब्जर्व आपने क्या देखा द स्मॉल थिंग स्टैंड यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर जो थीम थीम से स्ट्रेंथ है ये जो है वो कॉटन फाइबर से बने हुए हैं वेयर डज द कॉटन वुल कम फ्रॉम ये जो कॉटन वूल है वो कहाँ से आता है इज़ इट ग्रोन इन फील्ड क्या ये खेतों में उगाया जाता है कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट जो कॉटन का प्लांट है वो वहाँ पर कहाँ पर उगाया जाता है जहाँ पर काली मिट्टी होती है और गर्म क्लाइमेट होता है कैन यू नेम समेट ऑफ आर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन क्या आप बता सकते हो कुछ ऐसी कंट्री कंट्री नहीं स्टेट्स जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन जो प्लांट का फ्रूट होता है जिसे हम कहते हैं कॉटन बॉल्स, वो कितनी लेमन के साइज़ इतनी होती है आफ्टर मैचरिंग द बोल्स बोल्स open एंड द seed कवर with cotton फाइबर्स कैन बी seen। उनका मैच करने के बाद जो बॉल्स हैं वो बाहर ऐसे बॉल्स हो जाती है और जो सीड्स होती हैं वो कॉटन फाइबर्स से दिखने लगती हैं हैव यू ever seen a cotton field That इज रेडी फॉर पिकिंग क्या आपने कोई ऐसा कॉटन फील्ड देखा है जिनमें से कॉटन बॉल निकालने के लिए रेडी है जो बिल्कुल इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो वो ऐसा लगेगा वैसा फील्ड लगेगा कि वो पूरा स्नो से कवर्ड हुआ हुआ है फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजली पिक बाय है इन बॉल में से जो कॉटन है वो मोस्टली हैंड से ही पिक की जाती है फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीट बाई कम्बाइनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड गेनिंग ऑफ कॉटन फिर इसमें से ना जो सीड हैं वो सेपरेट की जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गिनिंग गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड जो गिनिंग है वो मोस्टली हैंड से होती है दिस डे मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग लेकिन अब के टाइम में जो गिनिंग है वो मशीन के थ्रू भी होती है नाउ जूट जूट फाइबर इज ऑप्टेंड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट जो जूट फाइबर है वो हमें जूट फाइबर है जो जूट प्लांट की हमें स्टीम से मिलता है इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये जो है रेनी सीजन के टाइम में निकाला in India, Bengal, है, जाता है इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम जो जूट है वो मोस्टली कहाँ उगाया जाता है वेस्ट बंगाल में बिहार में और आसाम में इंडिया में तो द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हारवेस्टेड वन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज जो जूट प्लांट है उसको जब हारवेस्ट किया जाता है जब एक कोई फ्लावरिंग स्टेज होती है द स्टीम ऑफ द हारवेस्ट प्लान आर इमरेज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज जो ये स्टीम होती है इनकी हार्वेस्ट प्लान्ट उनको कुछ दिन पानी में रखा जाता है द स्टीम रोड एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड ये जो स्टीम रोड हो जाती है तो इनको बाद में हैंड की मदद से सेपरेट किया जाता है किस लिए टू मेक फाइबर ऑल दिस फाइबर आर और फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू यार्ड तो फाइबरिक बनाने के लिए कन किया जाता है उनको पिको फाइबर है उनको यार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये कैसे होता है स्पिनिंग कॉटन यान यू कैन मेक इंग कॉटन यार योर सेल्फ आप कॉटन यान को ऐसे स्पिन कर नजर बनता है आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो एक्टिविटी फोर होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड एक हाथ में थोड़ी सी कॉटन ले लो पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर्स ये ऐसे फोर फिंगर और थम के बीच में उसको ऐसे ट्विस्ट करो नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन धीरे धीरे उस कॉटन को ऐसे खींचना करो धीरे धीरे वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर आर यू एबल टू मेकिंग अन तो आप धीरे धीरे उसको ट्विस्ट करते हैं देखोगे कि वो एक यान बन रही है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग जो ये प्रोसेस होता है यान बनने का फाइबर से उसको स्पिनिंग कहते हैं इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड इसमें जो है ये जो फाइबर होते हैं कॉटन वूल के उनको बाहर निकाला जाता है और ऐसे ही ट्विस्ट किया जाता है दिस ब्री द फाइबर टुगेदर टू टू फॉर्म यार तो ये है। ऐसे ही फाइबर को ऐसे बहुत करते हैं यान बनाने के लिए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन हैंड स्पिंडल ऑल्सो कोल्ड टकली एक सिंपल सा डिवाइस होता है स्पिनिंग करने के लिए हैंड स्पिडल से उसको हम तकली कहते हैं ये रही वो तकली है अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा और दूसरा एक और डिवाइस क्या है स्पिनिंग करने का चरखा यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज बाई गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चरखा का यूज़ है महात्मा गांधी जी ने किया था जब हमारी आज़ादी होने वाली थी ही इंकरेज पीपल टू वी टू वीयर क्लोथ्स मेड ऑफ होम्सपन या टर्म्ड एज खाड़ी एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन जो उन्होंने क्या कहा था लोगों की को कि हम हमें ना हम स्पन से बने हुए कपड़े पहनने चाहिए जैसे खादी शून जैसे और क्लोथ हैं जो ब्रिटेन से आए हैं टू पॉपुलर एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अबॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेजर इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इनको खादी को पॉपुलराइज करने के लिए जो गवर्नमेंट है इंडिया की उनने क्या बॉडी बॉडी की थी खादी जो कमीशन है विलेज का 1956 में किया था उनने ये सब स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन जो इतनी ज़्यादा स्पिनिंग है यार्न बनाने के लिए वो एक बहुत बड़ी सी मशीन पे की जाती है जिसे स्पिनिंग की एक मशीन आती है आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। बाद में उन यार्स को स्पिन करने के बाद ये फैब्रिक बनाने के लिए यूज होते हैं सो लेफ्ट और चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन इन पार्ट थ्री सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट शेयर इट कमेंट इट एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब इट बाई फ्रेंड्स